الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سپڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دی زمن دے اندر مفسرین ایک بڑا معروف واقعہ لکھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پہ ادا فرماندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی نو آواز دے کے کسی کم دی غرض نال بلایا صحابی حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز نو سنیا مگر خیال آیا کہ میں نماز پڑھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی گل دا جواب دیواں گا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ
हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु दे नल भी ऐसा ही वाकया गुजरिया कि आप नमाज पे पढ़ते ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारिया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उबई बिन काब मेरी गल सुन। उन्होंने नमाज पढ़द्या मुड़ के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल वेख्या, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज भी सुनी, मुड़ के नबी पाक वल भी वेख्या मगर नमाज अदा करते रहे। नमाज अदा करने तो बाद जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अकदस के अंदर हाजरी हुई तो अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हाँ, तुसा पुकारिया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो उदू पुकारिया से हूं क्यों आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं नमाज पे पढ़ता सा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुसी मेरी बारगाह च इस वास्ते हाजिर हो तो लेट हो कि तुसी नमाज पढ़ रहे सो। अर्ज की या रसूल अल्लाह जी यही वजह सी। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुसा कुरान की वो आयत नहीं सुनी या पढ़ी? या रसूल अल्लाह केड़ी आयत? हबीब किरदगार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वेले इस आयत मुबारक की तिलावत फरमाई। हाजरीन मोहतरम इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने मुसलमानों को अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी सिखाई, अदब भी सिखाया और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस की हाजरी का तरीका भी अनायत फरमाया। मैं पढ़ा कुरान जो तुसी सारे सुबहान अल्लाह खुबई। मैं चूंकि पहला जुमातुल मुबारक मदरसा लसानिया अनवारुल कुरान के अंदर ये मेरे वास्ते सादत है और मैं खतीब बन के नहीं, मैं इतने खादिम बन के हाजिर हाँ क्योंकि मेरा ये उस्ताद घर भी है। उस्ताद गिरामी भी तशरीफ फरमाने और अरसा तकरीबन 22 साल के बाद मैं दोबारा इस मदरसा लसानी अनवारुल कुरान के अंदर उस हैसियत ना फिर वापस आया कि 22 साल पहले मैं इसे ही जामिया के अंदर मदरसा के अंदर कुरान मजीद हिफज किया और मेरे वास्ते सादत है कि इस जामिया के अंदर जुमा पढ़ाना और इतने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को सरकार दो आलम का जिक्र सुनाना। वक्त की चूंकि किल्लत है मैं बात को मुकम्मल भी करना है। उसी उच्चा जो सुबहान अल्लाह बोलो तो मैं कुरान पढ़ा भाई। मैं तुहानू हौले हौले इंशाल्लाह हाल ही बना लवांगा। जिहड़ा मेरा मिजाज है मैं तुहानू आहिस्ता आहिस्ता उस मिजाज वल लै चलांगा। हाथ चुक के बोलोगे मेरी तसली हो जाएगी। मैं हजूर दे जाग दे गुलामां नाल मुखातिब हां। कौलें दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पाक दी तिलावत फरमाई। फरमाया अल्लाह कहंदा या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तजीबू लिल्लाह परवरदिगार ने फरमाया ए ईमान वाले हो जद तुहानू अल्लाह ते दा रसूल पुकार लवे हालांकि पुकारिया सिर्फ रसूल ने में अल्लाह ने फरमाया इस्तजीबू लिल्लाह वली रसूल इज़ा दअको। फरमाया जदों अल्लाह ते रसूल पुकारे अल्लाह ते रसूल दी पुकार वल दौड़े आज अर्ज की कमली वाले मैं नमाज पिया पढ़दा सा। फरमाया अल्लाह कहंदा नमाज पढ़दा फिर भी आ जाओ जदों मेरा यार करे खड़े ते फिर भी आ जाओ बैठे ते फिर भी आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया मेरे यार दी पुकार ते आ जा। अर्ज की अल्लाह काबे वालू सीना फिर जाए नमाज टुट जाती है। अल्लाह फरमाया मेरे यार दी पुकार ते आ जाओ कि अज नमाज मेरी है यार भी मेरा। बारी फिर बोलिया जो सुभान अल्लाह। फरमाया की होया जे नमाज मेरी यार पुकारे छोड़ मेरी नमाज। होर हौला बोलो यार पुकारे ते आ जा जिस भी हालत च मेरे महबूब की पुकार ते हाजिर हो जा। फरमा इस्तजीबू
आले इलम हजरात शरीफ फरमाने लफ्ज़ इस्तजीबु अजूब तो बने इदा माखद अजूब है। अजूब दा माने छत दा पानी दा परनाला, परनाले नो अजूब किया जांदा है अरबी दे अंदर। अजूब दा माने कट जाना, टुकड़े हो जाना। परनाले चु भी जदों पानी गिरदा है ते जिस जगह ते तुसा गौर कीता होवे पानी गिरदा है उस जगह ते घड़ा बन जांदा है, जमीन कट जांदी है। अल्लाह ने फरमाया अजू इस्तजीबु, जवाब नूं भी जवाब इस वास्ते किया जांदा है कि जवाब दे नाल सवाल कट जांदा है। अल्लाह ने फरमाया इस्तजीबु, फरमाया जदों मेरा यार पुकारे ते इस्तजीबु, इंज सारी कायनात नाल कट के ते मुहम्मद बुए दा गुलाम बन जांदा। मेरे यार दी बारगाह च सारी कायनात नाल कट के ते मेरे यार दे दरवाजे दा गुलाम बन जा। इस लफज च कई उनवानात निकलते ने, मगर मैं लफज इस्तजीबु तू अज कट जाना ते बस यार दा ही हो जाना। मेरा दिल करदा मैं दा तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कोल करवा के देवा। अज उन लोगों का मैं इम्तिदान जिक्र करना है जेडे करूने उगला दे लोगों ने नबी पाक ना इंज कट के मुहब्बत की, इंज कट के उन्होंने नबी नाल प्यार किया, इश्क किया, इंज सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक नाल कि रहंदी दुनिया ते कयामत तक लोग इंज दी इश्क दी दलील ना पेश कर सकनगे, कोई इंज दी मिसाल ना पेश कर सकेगा। उन्हें सारी कायनात नाल कट के मुस्तफा नाल प्यार किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी बात किन्नों ने याद के पुत्र ने अर्ज की, अब्बा जान तुसी बड़ी वार मेरी तलवार दे नीचे आए ते मैं मैदान बदरे च कुफार वलू सा, तुसी हजूर वलू सो, बड़ी वार तलवार दे नीचे आए ते मैं बाप समझ के छोड़ देता। फरमाया मैं ते पुत्रा बड़ी वार तेरी तलवार दे नीचे आया तू बाप समझ के छोड़िया ना, तू कदे एक वार भी मेरी तलवार दे नीचे आउंदा ते पुत्र समझ के नहीं सी छड़ना, मैं मुहम्मद दा गुस्ताख समझ के सिर उतार देंदा। पता चलिया सारी कायनात नाल कट गए। मेरे नबी नूं पता चलिया अबू बकर सिद्दीक ने बाप नूं थप्पड़ मारे, बुला के फरमाया सिद्दीक बाप नूं नहीं मारेदा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा बाप काफिर है, अजे कलमा नहीं पढ़िया। ते बाप ने बेअदबी ते गुस्ताखी तुहाडी कीती है। अर्ज की सोने अजे ते थप्पड़ मारे कदे तलवार होंदी ते सोने सिर उड़ा देंदा। कट के प्यार किया ना सारी कायनात नालों, वखरे होके यार नाल प्यार किया। इदा तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ते आबिर जा फरमा देने इश्क माही दे आए ए अगा लाया ए ना लगिया कौन बुझावे शकीदी जेड़ा दर दरी जा झुकावे ना खुद सोवे ते न सोवन देवे हथी सुते आया ने जगावे मैं कुर्बान इस इश्क थी बाहू जेड़ा बिछड़े यार मिला। उन्हें सारी कायनात नाल कट के माही नाल प्यार किया। नौजवानों किसे ना प्यार हो जाए इदियां तीन वजह होंदियां। पहली वजह किसे दा हुसन वेख के प्यार ते मुहब्बत हो जाती है। और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ते जुलैखा दा वाकया मेरी बात ते दलील है कि हुसन होवे ते इश्क हो जाता है। कदे कदे किसे दा कमाल वेख के भी हुसन हो जाता है, किसे नाल इश्क हो जाता है। मसलन किसे दी दौलत वेख के,
किसी का अखलाक वेख के किसी की आवाज नाल प्यार हो जाता है। अलगरज कद कद इंसान को किसी बंदे की सखावत नाल किसी भी कमाल नाल मुहब्बत हो जाती है। और तीसरी वजह मुहब्बत की, कदे बदे बंदा किसी का जूतो नवाल किसी की अता किसी की सखा दे वास्ते भी उहदे नाल इश्क कर लैंदा है। अगर ये अलहदा अलहदा गुफ्तगू करिए तो अलहदा अलहदा उनवान है। मुहब्बत की सब तो पहली वजह हुसन होता है। किसी का हुसन वेख के इंसान उहदे नाल इश्क ते प्यार हो जाना ये फितरी अमल है। और मुहब्बत दियां भी बेशुमार किस्म ने। मुहब्बत इंसान खान पीन नाल भी मुहब्बत होती है, लजीज खाने नाल भी मुहब्बत होती है, मगर ये मामूली मुहब्बत है। इंसान अपनी मां नाल भी मुहब्बत है, औलाद नाल भी मुहब्बत है, बीवी नाल मुहब्बत है, अपने अजीजो अकरबा यार दोस्त बेली अहबाब नाल भी मुहब्बत है। ये भी मुहब्बत की एक शिद्दत है, मगर एक वह भी मुहब्बत होती है कि जिहड़ी मुहब्बत ये दोनों मुहब्बत कुरबान कर दित्तियां जांदियां ने, उन्हों इश्क किया जाता है। जिहदे बारे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुका शैआ यौमी व युसिम। हजूर ने फरमा कि मुहब्बत इंसान को बहरा कर देती है ते नबीना कर देती है। ना इंसान अपने महबूब का ऐब सुन सकता है, ना उन्हें यार विच ऐब नजर आते हैं। वो ऐब वेखन तो नबीना भी हो जाता है, वो बहरा भी हो जाता है। ना उन्हें यार का ऐब सुनिया जाता है, ना उसके कोल वेखिया जाता है। याद ही वो इश्क की दौलत है। हाजरी ने मोहतशम सहाबे के बाद रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने मेरे नबी नाल ओ वाला प्यार किया। क्यों? हुसन भी है। इश्क की पहली वजह होती है हुसन। ते आओ दरा उन्होंने हुसन कैसा वेखिया, कैसा हुसन होगा कि हजरत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने फरमा देने एक दिन मेरा दिल किया कि घर बैठे आज मैं ना यार नू रज के वेखना है। नहीं सारे बोल दे तुसी सुभान अल्लाह, बुलवाना मेरे साइया मैनू दसे आए मैनू जाच है तो मैं बुलवा भी लेना है कि तुहाडी सुभान अल्लाह दसनी तुसां तकरीर किवें दी सुननी है। मैनू सारिया किस्म दियां आउंदियां ने। हाथ चुके वाला जिहड़ा जागदा तो जिंदा है हाथ चुके बोलियो सुभान अल्लाह, थोड़ा होर जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं एक दिन मेरा दिल किया जब मैं रज के हजूर नूं वेखना है। आपने फरमाया कि मैं ये इरादा लैके टुरिया टुरिया सरकार की बजम में आया, हजूर के सामने बैठ के ते दिल करे अज रज के वेखना है। इंज निगाह उठा के जो हजूर के चेहरे वाल वेखिया ही है, जल्दी जल्दी आपने अपन अखियां ते इतरा हाथ रख ले। करीब बैठे बेली ने पूछा कि अखियां ते हाथ क्यों रखे। मुस्कुरा के फरमान लगे कि घरों इरादा लैके आया सा अज रज के यार नूं वेखना है, पर अजे ते पहली निगाह ही वेखिया है। इंज लगता जे अखियां बंद ना करा या हाथ ना रखा तो अखा नबीना हो जाणियां ने। किवें वेखा रज के माही नूं, किवें टिकटिकी लगा के वेखा। अल्लाह ने अपने यार नूं जमाल ते हुसन इंज दाता फरमाया। गिरामी कदर हजरात जदों हजरत जुलैखा ने हुसन वेख्या ना यूसुफ दा ते दिल दिता ना, ते सहेलियां मेना मारिया नी मलका होके ते गुलाम नूं दिल दिता ही, गुलाम नूं दिल दिता ही मेना मारिया। मेरे साईं ताजदारे चूरत शरीफ मेरे मुर्शद कामिल अक्सर फरमाते होंदे ने इश्क विच जद तक कोई यार दा मेना ना मारे उन्नी देर तक इश्क मुकम्मल ही नहीं होंदा। इश्क मुकम्मल उस दिन होंदा जद कोई यार दा ना दा मेना मारे। जुलैखा ने जदों सहेलियां ने मेना मारिया ना ते आख्या नहीं मलका होके ते गुलाम नूं दिल दिता ही, ते आख्या नहीं चुप तो हर तुसा मेरा अजे यूसुफ वेखिया ही नहीं, ते कहन लगी ना भी खा दे। ते जुलैखा ने अर्ज की तुसी सेब खाओ ते मैं यूसुफ लेके आई। इधर यूसुफ ने अर्ज की सोने आ जरा मेरिया सहेलियां कोलों ते गुजरे आ जे। यूसुफ गुजरे ते वेखन वालियां दा की हाल होया। सुनिए कुरान अल्लाह ने रिजा फरमाया वा कप्पा नाई दिया हुल्ला वा कुल्ला है शलिल्लाहि मा हादा बशरन इल हादा इल्ला मलकुन करीम।
परवरदिगार ने फरमा जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेख्या उन्हां औरतां दी उंगलियां कट गईयां, उंगलियां दे टुकड़े हो गए। वाह मदीने दिया ताजदारां जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेख्या उन्हां दी उंगलियां दे टुकड़े हो गए। मुहम्मद दा हुसन वेख के उंगलियां दे ते टुकड़े यूसुफ नूं वेख्या हो गए। कमली वाले दी उंगली वेख के चन्न दे टुकड़े टुकड़े हो गए। कायनात दी तारीख गवाए हजरत यूसुफ दा जमाल वेख के औरतां दी उंगलियां दे टुकड़े आए। उत्थे उंगलियां कटियां गईयां जदों मदनी दे हुसन दी वारी आई। इत्थे गर्दनां मर्दां दीयां कट गईयां, उत्थे उंगलियां औरतां दीयां कटियां। इत्थे गर्दनां मर्दां दीयां कट गईयां। मेरे आका दे जमाल दे क्या कहने, उगो की बाल खुटो जवार दिया ने वाले मुख दी मौका दे वाल। मैनू कसम है रब मोहम्मद दी सारी कायनात हसीना दा जमाल एक पासे, मोहम्मद दी जुल्फ दा वाल एक पासे, सारी कायनात हसीना दा। सारे दुनिया दे हसीना दा जमाल एक पासे ते मेरे महबूब दी जुल्फ दा एक वाल एक पासे ते मुकाबला फिर भी कोई नहीं। हाँ हाँ, अल्लाह ने यार दियां ते जुल्फां दे जिक्र ते तारीफ च कुरान दियां आयतां नाज़िल फरमा दित्तियां। तेरा फरमा भी वल्लैल, मैनू कसम है काली रात दी कोई अपने महबूब की जुल्फ की तारीफ करे तो कहता मेरे महबूब की जुल्फ इंज जिमें काली घटा होंदी है। शायर लोग तशबीहात देवन च बड़े माहिर होंदे ने। शायर जब तशबीह देंदे ने तो कहंदे ने मेरे महबूब की जुल्फ इंज जिमें काली घटा होंदी है। अल्लाह फरमा तुहानू अपने महबूबां दी जुल्फां काली घटा वर्गियां लगदियां, मैनू यार दियां जुल्फां काली रात वर्गियां लगदियां। उहदी ते जुल्फ की तारीफ कोई ना कर सके, उदे मुख की तारीफ कौन करे, उदे चेहरा अनवर की तारीफ ते सिफत कौन करे। ताइयों ते उन्हां लोगों नूं इवें दा इश्क होया क्योंकि इवें दा हुसन भी ते कोई नहीं ना, हुसन भी ते इवें दा कोई नहीं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इक दिन ना एक होर सहाबी इंज करके ना टिक टिक लगा के ते अख रखी यार दे मुख उत्ते, वेखी जा रहे वेखी जा रहे ते वेखी जा रहे। मेरे आकले सलातो सलाम की निगाह उठी तो हजूर वेख के फरमाया की पे वेख दे हो, की पे वेख दे हो। अर्ज की यार सुल्ला एवं बैठे बैठे ख्याल आया क्यामत न हो रे माही नू वेख्या जाना कि नहीं, ते इत्थे वेख लवा इत्थे राजे के यार नू वेख लवा, हो रे उत्थे वेख्या जावे कि ना वेख्या जावे, ते मैं इत्थे ही वेख लवा। आशिकने दा रंग इंज पेश कीता इत्थे मुक जान हसरता ए दिल दिया तू कुंड उठा के बैठा रो, मेरी जान जावी तई जावे तू जुल्फ सजा के बैठा रो। उन्हें जमाल वेख्या ना यार दा, उत्थे ते उंगलियां कटियां गईयां, इत्थे फिर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उत्थे हुसन ते उंगलियां कटियां गईयां, इत्थे नाम सुन के गर्दना कटा दित्तियां जांदियां ने, पर उत्थे ते कटियां गईयां, इत्थे कटाईयां जांदियां ने। उत्थे एक बारी कटियां गईयां, इत्थे कटाईयां जांदियां ने। कटाईयां जांदियां सन ते कटाईयां जा रहियां ते कटाईयां जांदियां रहणगियां। उहदे हुसन तों उहदे नाम तों कायनात कुरबान। गिरामी कदर हजरात, ऐसा हुसन अल्लाह ने महबूब नूं अता फरमाया। कौन आंदे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आप एक दिन तशरीफ फरमा जांगे उहद च, जदों हजरत जाबिर दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला शहीद होए ना, ते हजरत अब्दुल्ला रोंदे मेरे आका दी बारगाह च हाजिर होए, ते
अर्ज की यार सुल्ला मैं यतीम हो गया। मेरे आका ने शफकत फरमाई ते फरमाया अब्दुल्ला रो ना। ए जाबिर मैं तेनों एक मजे दी ते लुत्फ दी गल सुनावा। जी माहिया हजूर ने फरमाया जदों तेरे बाप दी रूह अल्लाह दी बारगाह च पहुंची ना ते अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल्ला मैं तेरे ते बड़ा ही राजी हाँ, मंग जो मंगना है। सुनो जवाब ते रात नूं सोवो कि ना ते याद आ गई गल ते कलेजे ठर जाणगे। अल्लाह ने पूछा कि अब्दुल्ला मैं तेरे ते बड़ा राजी हाँ, मंग जो मंगना है। नबी पाक ने फरमाया जाबिर तेरे बाप अब्दुल्ला दी रूह ने पुकार के अर्ज की या अल्लाह जे कुछ देना ही एक जिंदगी होर दे फिर मुहम्मद ते कुर्बान होके आवां। एक जिंदगी फिर अता कर मैं तेरे यार ते कुर्बान होके आवां। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदाने अरब, उदा हुसन वेख लोग जिंदगियां मांग दे के फिर मुहम्मद तो कुर्बान हो जाइए। जिंदगियां मांग दे फिर मुस्तफा तो कुर्बान हो जाइए। उदे हुसन ते मैं की तारीफ करा। ये तो इंसान ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन करत रदी अल्लाह तआला ने मेरे नबी दे साहबी फरमा दे ने मैं खुतबा हज्जतुल विदा दे मौके ते मैं वेख्या कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद दा दिन ते जानवर ऊंट पे ज़बह करदे ने, ऊंट पे ज़बह करदे ने ते आ फरमांदे ने मैं वेख्या कि असी ते बंद बंद के ऊंटां ते जानवरां नूं लियाउंदे ना ज़बह करन वास्ते। हजूर जदों किसे ऊंट नूं ज़बह करदे ने ते दूसरा ऊंट आप ही लेट जांदा है, दूसरा ऊंट आप लेट जांदा है ते आप फरमांदे ने ऊंट एक दूसरे नाल पे झगड़ा करदे ने कि पहले मेरी वारी है, पहले मेरी वारी है। ओड़क टुर जाना कोई कार ते कर जावाड़कनो ते टुर जाना कोई कार ते कर जावा सरकार ते कदमाते सिर रख के ते मर जावा सरकार ते कदमाते सिर रख के ते मर जावा। उन्हें लोगों वध वध यार दे हुसन तो फिर जाना कुर्बान कीतिया। इंसान अपने वजूद नूं आराम देने वास्ते कितनी मेहनत कर दे। असी सारा दिन इस वास्ते मेहनत करने आ कि शाम में जदों घर जाइए अपने वजूद नूं आराम दे सकीए। इंसान अपने वजूद नूं आराम देने वास्ते मेहनत कर दे पर जदों आए ना महबूब दे हुसन दी वारी उन्होंने आराम ही नहीं उन्हें तन भी यार तो कुर्बान कर दिते। उन्हें तन मन दियां बाजियां लगा दित्तियां महबूब दे नाम ते। गिरामी कदर हजरात एवें नहीं रब ने कुरान च उन्हां दियां लोगां दियां सिफतां फिर बयान फरमाइया। पढ़ो कुरान फिर मैनू यकीन है तुसी बहुत अच्छे बंदे हो, सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे। जिन्हों हजूर की तारीफ सुन के दिल में ठंडक महसूस हो रही वह बोलो सुभान अल्लाह। सची दसो असी तो हजूर का हुसन सुन के वारी तो कुर्बान हो जाने तो जिन्ना वेख्या होगा। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती। हजूर ने फरमाया जिन्हें मेरी कबर की जियारत की कयामत तक जिन्हें कबर की जियारत की हजूर ने फरमाया मुहम्मद की शफात वाजिब हो गई। ईमान वाले मैनु सच्ची दसो जड़ा कबर की जियारत करे उदे ते शफात वाजिब है ते जड़े वेखदे कबर वाले नू रहे ने उन्हां दा की मुकाम ते हाल हो जड़े वेखदे मुस्तफा ते कबर वाले नू वेखदे रहे उन्हां दे कैसे मुकाम होणगे। उन्हां दे बारे अल्लाह ने फरमाया वला दियाति तब हल फल मुरिया ति कद हल फल मुगीरात सुबह हल फासर नबी न
परवरदिगार ने परमा मेनू कसम घोड़िया दी, जदू घोड़े दौड़ देने अल्लाह ने परमा घोड़े दे साह ओदे जड़े अंदर ते बाहर हवा सामा च जा रही। अल्लाह ने परमा मेनू ना सामा दी कसम है, अल्लाह ने परमा जदू घोड़े दा सम पत्थर ते लगदा है ओदे विचों चंगियाड़ी उड़दी है। अल्लाह परमा दा मेनू चंगियाड़ी दी कसम है, अल्लाह ने परमा जदू घोड़े दा सम जमीन ते लगदा है विचों धूड़ दे सरने उठ दे ने। अल्लाह परमा दा मेनू ना धूड़ दे सरियां दी कसम है। अर्ज कीती अल्लाह एडा वड्डा रब होके ते घोड़ियां दे पैरां दीयां धूड़ दीयां कसमां पिया चुकना है। अल्लाह परमा ए आम घोड़े नहीं, ओ घोड़े ने जिन्ना ते बैठ के मुहम्मद साहब जिहाद करन जांदे ने। अर्ज कीती अल्लाह फिर भी घोड़े नहीं ते रब हो के घोड़े दे पैर दी धूड़ दी कसम उठा रहे हैं। अल्लाह परमा दुनिया वाले ओ धूड़ दा तल घोड़े दे सुम नाल, सुम दा तल घोड़े दे पैरां नाल, पैरां दा तल गोडियां नाल, गोडियां दा तल पेट नाल, पेट दा तल कमर नाल, कमर दा तल काठी नाल, काठी ते सहाबी बैठा है ओदा तल मुहम्मद नाल कसमां चुकनियां पै ओदे ते गुलाम जिहड़े घोड़े ते बह जाण। फिर रब उन्हां घोड़ियां दे पैरां दीयां धूड़ां दीयां कसमां उठांदे ओ जिहड़े मुस्तफा दे कबी ते गुलाम बन जाण। हजरत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाह अलैह कादसिया दे मैदान चो गुजर रहे ते लेट गए, ते लेट के ते अपने वजूद नूं उस मट्टी ते उस रेत दे नाल मलदे ने। मुरीदां ते गुलामां ने अर्ज कीती लजपाल ये मट्टी ते क्यों पे लौटदे हो? आपने इरशाद फरमाया अज तो सदियां पहले इस मैदान च नबी करीम दे सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला नूं जंग करके गए सन। आपने फरमाया मैं अपनी रूहानियत दीयां अखियां नाल वेख रहा कि हजरत खालिद बिन वलीद दे घोड़े दे पैरां दे टाप दे नाल जिहड़े मट्टी दे जर्रे लगे सन ना वो अज भी नूर बन के पे चमक रहे ने। वो अज भी नूर बन के जर्रे मट्टी दे चमक रहे जिहड़े मुस्तफा दे गुलाम दे सवारी दे पैरां दे नाल लग गए। आपने फरमाया मैं लौट नहीं रहा, मैं लुट रहा, मैं वो नूर लुट रहा जिहड़ा मुस्तफा दे सहाबी दे घोड़े दे पैरां दे नाल इस कादसिया दे मैदान च। हाजरी ने मोहतशम एवें नहीं खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला नूं सैफुल्ला बन गए, उन्होंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछे जाना वारियां भी ते जाना लईयां भी उन्हें मुस्तफा होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुसन तो सारी कायनात कुर्बान कर दी। मैं अर्ज कर रहा सा कि किसी नाल मुहब्बत होने की पहली वजह होती है हुसन, ते इत्थे ते हुसन होवे के बनाने वाले भी सामने बिठा के आखिया तेरी कसम है तेरे वर्गा दूजा मैं भी नहीं बनाया, तेरी कसम तेरे वर्गा दूसरा मैं भी नहीं बनाया। एडा ही सोहना रब ने बना के भेजिया, एडा ही सोहना बना के भेजिया। गिरामी कदर मैं अक्सर तकरीर च किया करना कि ऐसा हुसन है कि जो मेरे महबूब के वोहा चेहरे ते वल्लैल जुल्फां बिखर दिया सन ना, मैं दोबारा जुमला बोला ताकि सारे समझ आ जाए ओदे वद्दोहा चेहरे ते जदों ओदियां वल्लैल जुल्फां बिखर दियां सन ते वेखण वाले नूं इंज लगदा सी जिवें रब दे काबे ते काला गिलाफ चढ़ाया है, जिवें रब दे काबे ते काला गिलाफ चढ़ाया है। ऐसा हुसन अल्लाह ने महबूब नूं अता किया जिहड़ा एक निगाह वेख दे वह बस वेखदा ही नहीं फिर जाना भी वार दे। मां नूं बच्चे नाल किन्ना प्यार आउंदा है कि बच्चे दे पैर च कंडा भी चुभ जे ते मां नूं रात नींद नहीं आती, मां बर्दाश्त नहीं करती कि पुत्र नूं कोई गम कोई तकलीफ होवे। पर जदों आउंदी है ना मुस्तफा दी बारगाह ते ओही मावां छे महीने दा बच्चा लैके माई आई मेरे नबी दी बारगाह च ते अर्ज करदी या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन दे नां पे लिख दिओ ते मेरे मुजाहिद दा भी नां लिखो। छे महीने दा बच्चा मेरे आका अली सलातो सलाम ने फरमाया बीबी छे महीने दा बच्चा है ये ना तलवार चला सकता है ना तीर चला सकता है, असी जंग करांगे कि तेरा बच्चा संभालांगे। ते माई रो के कहन लगी कमली वालिया ये बच्चा मेरी सारी जिंदगी दी कमाई आ, मजाक दे नहना वाले मेरा पुत्र जिहाद च नाल लै जा, तीर चला नहीं सकता तीर खा ते सकता है ना, तेरे तो तीर खा ते सकता है। उन्हां मावां ने जिहड़ियां मावां पैर दा कंडा नहीं बर्दाश्त कर सकदियां
अपने पुत्र मुस्तफा की जुल्फ के कुंडल तो वार दिते। क्यों वार दिते? उन्हें यार का जमाल वेख्या ना, उन्हें कायनात इंज का इश्क महबूब ना किया कि रही दुनिया तक लोग उंज दिया मिसाल ना पेश कर सकनगे। नौजवानों, एक दिन मेरे आका सफर ते जा रहे, अचानक साहब के बार ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। मेरे आका सलातो सलाम ने इशारा फरमाया कि इस पहाड़ी की ओट च एक हबशी गुलाम पानी ऊंट से लद के लैके जा रहा, उन्होंने मेरी बारगाह च ले जाओ। सहाबा गए तो वेखे एक हबशी काले रंग का गुलाम पानी दे मशकीजे उन्हें ऊंट से लदे ने लैके जा रहा। सहाबा ने फरमाया कि असा तेनों लैके जाना महबूब पे बुलांदा है। हबशी कहन लगा मैं तो नहीं जाना। सहाबा फरमाया असा तेनों लै जाना महबूब ने फरमाया है, महबूब ने फरमाया सा लै जाना है। बड़ी तवील अदीशे पाके सहाबा जो उस हबशी गुलाम नू लेके आए। एक औरत के बारे भी ये वाक्य आंदा है और हबशी गुलाम के बारे भी हदीसे पाके चे। वो हबशी गुलाम जब हजूर दी बारगाह च हाजिर होया ते उन्हें वेख्या के इतने हजारों की तादाद सहाबा के बार ने महबूब हुसन लाजवाल लेके बैठे ने। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि इहदे विचों एक प्याला पानी का निकालो। मशकीजे चो एक प्याला जदों पानी दा लैके मेरे महबूब की बारगाह च रखिया गया, इस तरह सरकार ने अपने यदुल्ला वाले हाथ प्याले च डुबोए ते पानी दियां नहरां चल पईयां। पीन वाले पी रहे ने, बर्तन भरे जा रहे ने, ऊंटां नूं गुसल दिता जा रहे ते पानी दा एक प्याला, पानी दा एक प्याला। सारे जो बर्तन भी भर ले ते पानी भी पी लिया ते गुसल भी कर लिया, सरकार ने इस तरह करके अपने हाथ मुबारक उठाए, प्याला फिर उवें दा उवें भरिया। हजूर ने फरमाया प्याला एदे मशकीजे चो ढेल दियो। जो प्याला ओदे मशकीजे चो ढेल के ना ते नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने हबशी वल वेख के फरमाया असा तेरा कुछ नहीं लिया, असा तेरा कुछ नहीं लिया। फरमाया सहाबा इन्हू थोड़े तोहफे तहाइफ दियो, इन्हें साड़ी मदद की, असी भी यदि मदद करिए। कालियां दे वाली दे परवान दे साहबा खजूरां लेके आ गए, किसी ने खजूरां किसी ने कपड़े किसी ने सद्दू पेश किते। हजूर ने गठड़ी बंधवा के दे ऊंट दे रखी। मेरे आका ने फरमाया हबशिया हुण जा तेनू इजाजत है। ओ हबशी मेरे आका दे हुसन वल वेखी जांदा है। हजूर ने फरमाया जा जांदा क्यों नहीं? हथ जोड़ के कहन लगा सोनिया जावा किवें, जान जोगा छड़ियाई कोई, सोनिया जान जोगा ते छड़िया ही कोई नहीं। मेरे आका ले सलातो सलाम दी बारगाह च हाथ जोड़ के कहंदा तुसी कौन हो एडे सोने? फरमाया मैं अल्लाह दा आखरी नबी ते रसूल ते महबूब ते मतलूब हाँ। ते कहन लगा ए जी तुसी आप ही सोने हो के दूसरे नु भी सोना कर दे हो? आला हजरत दे वाले दे गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमांदे ने कि ओ हबशी मेरे आका दे करीब बैठ गया, कहन लगा कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़िया ते कहन लगा सोनिया मैनू भी सोना कर दे, जी मैनू भी सोना कर दे ना। आला हजरत फरमांदे ने इंज करके मेरे नबी ने आला हजरत दे वाले फरमांदे ने इंज ओदे चेहरे ते हजूर ने हाथ मुबारक फेरिया, ओदा चेहरा इंज चमके जिवें 14वीं रात दा चन्न आउंदा है। मेरे आका सलाम हस के फरमान लगे साडा की जाना है, असा तो दीवे नाल दीवा ही बालना है, असा तो दीवे नाल दीवा ही बालना है। वह हबशी गुलाम जो हजूर की बारगाह चो टुरिया ना तो सरकारे दुआलम वेख के फरमान लगे ओ ओ ओ गुलाम जरा ठहर। उन्हें मुड़ के अर्द की जी माहिया, फरमा तू ही सोना नहीं होया, जा अज तो बाद जिन्हें तू हाथ ला देगा वह भी सोना हो जाएगा, जा जिन्हों हाथ लगा देगा वे सोना हो जाएगा। ऐसा हुसन अल्लाह ने महबूब नो अता फरमाया कि जेड़ा वेख दे ओ भी सोना, जेड़ा खुर बचा दे ओ भी सोना, जेड़ा यार नु याद करे रब नु ओ भी सोना प्या लग दे। अल्लाह फरमांदा युहबिबकुमुल्ला, मैं तुहाडे सारा ते अपनी मुहब्बत दा ताज सजा देवांगा। दुनियादार नाल प्यार करिए लोग शक करदे ने, खुदा दे यार नाल प्यार करिए रब प्यार कर दे। वो लोग ते प्यार करदे करदे रब भी प्यार करदे जो दे महबूब ना प्यार करिए। दुनिया दे किसे सोने दे नाल कि दो लोग प्यार करन
तो एक दूसरे के मुखालिफ आते हैं, वह हरीफ आते हैं, पर कमली वाले की एक जात ऐसी जात है कि जग भी प्यार कर दे, रब भी प्यार कर दे, तो रब फरमाता जिहड़ा इहदे नाल प्यार करे मैं उहदे नाल भी प्यार करांगा। अल्लाह फरमाता मेरे यार नाल प्यार करे मैं उहदे नाल प्यार करांगा। किसी दे नाल मुहब्बत होण दी सब तो पहली वजह हुसन होंदी है। तो मेरे मिल्लत दे नौजवानों, जे तुहानू हुसन नाल प्यार है फिर उहदे नाल प्यार करो जिहदे वर्गा दूसरा सोहना रब ने बनाया ही कोई नहीं। अगर तुहानू हुसन नाल मुहब्बत है फिर मुस्तफा नाल प्यार करो। अल्लाह करीम ने अपने महबूब नू हुसन कमाल जुदो नवाल ऐसे अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले जुमतुल मुबारक नू असी इत्थों ही बात का आगाज करांगे ते वेखांगे कि वह किहड़े किहड़े कमाल होंदे ने जिन्हां नाल मुहब्बत होंदी है, ते अल्लाह ने महबूब नू किहड़े किहड़े कमाल अता फरमाए ने, ते महबूब नाल क्यों ना दुनिया प्यार करे। इत्थे जमाल भी है, कमाल भी है, जूद भी है, नवाल भी है। इंशाल्लाह इत्थे ते ही गुफ्तगू अर्ज करांगे। अल्लाह मेरी हाजरी कबूल फरमाए, आप दी भी हाजरी नू कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दवाइया अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।